नगर में गहुई बस स्टैंड पर गहुई वैश्य समाज करेरा के द्वारा गहुई दिवस बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सबसे पहले नाथूराम रेजा श्री बलदेव प्रसाद महतील के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर झंडा वंदन किया गया। ध्वज गीत सौरभ लहारिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सभी अतिथियों को मंचासीन कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 84 क्षेत्रीय वरिष्ठ संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश पहारिया, अध्यक्षता गहुई वैश्य समाज सभा करेरा, अध्यक्ष द्वारका प्रसाद नीखरा, विशिष्ट अतिथि सुरेश सेठ बंधु, सीताराम बैडर, हरिमोहन अमर, राकेश नगरिया दाढ़ी, महिला मंडल अध्यक्ष श्वेता नगरिया, पत्रकार संजय बिलैया मंच पर मंचासीन रहे। अतिथियों ने अपने अपने उद्बोधन दिए और बताया कि मकर संक्रांति के बाद जो पहला रविवार पड़ता है उसी दिन गहुई दिवस मनाया जाता है। गहुई समाज के पहले अधिवेशन 1914 में राष्ट्रीय स्तर पर गहुई वैश्य समाज को नरसिंहपुर के गहुई वैश्य श्री नाथू राम रैजा ने गहुई वैश्यों का एक संगठन गहुई वैश्य महासभा का गठन करके इसका प्रथम अधिवेशन नागपुर में आयोजित कर संपन्न कराया। इसके लिए बलदेव प्रसाद मातेले ने सहयोग किया। तो वहीं मुख्य अतिथि ने सभी को गहुई दिवस की बधाई देते हुए कहा कि युवा जागृति परिषद बहुत ही अच्छा काम कर रही है और युवाओं का एक संगठन तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दतिया में गहुई सेना अच्छा काम कर रही है। मंच का संचालन गहुई समाज के महामंत्री सतीश बलैया के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अशोक नौगरैया, राजू नगरिया, योगेश कनकने, शुभम कनकने, नीलेश नौगरैया, भानु सेठ, राहुल सेठ समेत तमाम स्वजातीय बंधु उपस्थित थे। वहीं आपको बता दें कि गहुई दिवस पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में गहुई महिला मंडल करेरा के द्वारा गरीब लोगों को गर्म कपड़े कंबल आदि बांटे गए। मना रहे हैं और हर साल मनाते रहे, पहले भी मनाते रहे, लेकिन कुछ कमियां ऐसी रही कि उस टाइम पे कभी कोई आ पाया नहीं, आ पाया किसी संज्ञान में आया नहीं आया, लेकिन लोग जागृत हो रहे हैं और जागृत होना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा विचार है। सभी सम्मानीय मंच, सभी सभागार के आगे मेरे भाई बहन, मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि समाज में संगठन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पदाधिकारियों के लिए मैं विशेष रूप से चेतन अवस्था में बात करना चाहता हूँ कि उनको थोड़ा चेतन अवस्था में काम करना चाहिए। युवा जागृति परिषद के पदाधिकारियों के लिए अध्यक्ष को छोड़कर के जो भी पदाधिकारी है, थोड़ी सी शिथिलता उन लोगों में है, उस शिथिलता को आप उनको बरकरार रखिए और उस एक्टिविटी में आइए। आप लोग नए बच्चे हो, नए नया खून है, नए लोगों को लिए आगे आना चाहिए। और गहुई समाज का संगठन के लिए श्री निखरा जी इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं, गहुई समाज का बहुत अच्छा नेतृत्व होना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। और उन वो एक्टिविटी में रहते भी हैं और रहना भी चाहिए। मेरा पदाधिकारियों के लिए भी ये कहना है कि सभी लोग संगठित रहें, समाज के प्रति सोचें, समाज के प्रति अपनी जागृति रखें, समाज के प्रति सेवा भाव रखें और समाज में जो भी थोड़ी बहुत 1900-1900 बात चलती रहती है, ये चलती रहेगी। एक संगठन बहुत बड़ा है, 550-600 घर करीब हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अपन को संगठन बना के रखना है। मुट्ठी मुट्ठी जो बंद होती है।